हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एकदम लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, वो है दोस्तों शराब, दारू, अल्कोहल, आप कोई भी नाम ले लो, ये सब खराब क्यों नहीं होती है और अगर खराब होती है तो वो कितने टाइम के बाद होती है। तो इन चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी देखो, सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है दोस्तों कि शराब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो बियर होता है, वाइन होता है, इसके अलावा लिकर में देखो विस्की आता है, वोडका आता है, टकीला आता है, रम आता है, ये सारी चीज़ें आती है दोस्तों। और इनका जो खराब होने का जो रेशो है वो डिपेंड करता है दोस्तों उनमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, यानी जितना अल्कोहल ज़्यादा है दोस्तों उतने टाइम ज़्यादा तक ये जो वाइन है, शराब है, वो टिके रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो समझ लो अगर वाइन की अगर हम बात करें उसमें अल्कोहल का जो क्वांटिटी होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है, ज़्यादा टाइम के लिए वो अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर बियर की बात करें या फिर कोई भी अदर ड्रिंक का बात करें जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, वो इतने ज़्यादा टाइम तक अच्छा नहीं रह सकता। और दोस्तों, वाइन में यानी शराब में भी अभी दो चीज़ें होती है, एक तो होती है ऑर्गेनिक वाइन, ऑर्गेनिक शराब, और दूसरी होती है सिंथेटिक वाइन दोस्तों। तो ऑर्गेनिक वाइन यानी ये होती है दोस्तों जिसमें अल्कोहल होता है और वो जो ग्रेप्स का जो जूस होता है उससे वो बनाई जाती है, और वो ऑब्वियसली दोस्तों ज़्यादा टाइम के लिए अच्छी रह सकती है। लेकिन दोस्तों, जो सिंथेटिक वाइन होती है उसमें सिर्फ अल्कोहल और वाटर रहता है, वो ज़्यादा टाइम तक अच्छी नहीं रह सकती है, तो वो आपको जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो सारे जो शराब के जो टाइप्स है दोस्तों, इनकी अलग अलग शेल्फ लाइफ होती है, वो डिपेंड करता है अल्कोहल की जितनी क्वांटिटी है उसके ऊपर। उसके अलावा दोस्तों, आप उसको कौन से टेम्परेचर में रह रहे हो, आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो, उसके ऊपर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप अल्कोहल की बोतल, अगर आप शराब की बोतल अगर ज़्यादा लाइट में या फिर सनलाइट में भी अगर 4 घंटे भी रखते हो दोस्तों, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर जो शराब की बॉटल्स के जो शेफ रहते हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर अंधेरे में रखा जाता है, उनको लाइट में एक्सपोज नहीं किया जाता है। अगर आप अपने जो घर में जो लाइट्स होते हैं दोस्तों, वो भी अगर ज़्यादा लाइट्स रहेंगे तो भी उस पर जो शराब है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आता है, तो भी वो रिएक्शन करना चालू हो जाती है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जितना अल्कोहल का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है शराब में उतनी ज़्यादा वो टिक सकती है दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप जैसे ही जो बॉटल का जो सील है वो ब्रेक करते हो दोस्तों, वो उसी टाइम से वो थोड़ा सा एक्सपोज हो जाती है वो रूम टेम्परेचर पे, और वो थोड़ा सा डिटोरिएट होती है दोस्तों, वो थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो आपको उसको जल्दी ही कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे सील बॉटल ज़्यादा टाइम पे रह सकती है दोस्तों, लेकिन अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे दोस्तों, तो आप यही अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप उसे जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लो। ठीक है दोस्तों, तो यही एक फैक्ट ये वीडियो में बतानी थी दोस्तों आपको, ज़रूर इससे अच्छी खासी जानकारी अभी पता चल गई होगी दोस्तों। हमारे चैनल पे दोस्तों हम आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर करते हैं, हम आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आते हैं। हमने जनरल नॉलेज के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं हमारे चैनल पे, टेक्नोलॉजी नॉलेज के ऊपर भी बहुत वीडियोस है दोस्तों। इसके अलावा हम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ और करंट अफेयर्स लेके आते हैं, और हमने वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए दोस्तों, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसपे काम करके आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलते रहेगी। तो ये वीडियो में बस इतना था दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू very much।